हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ महाराष्ट्रियन चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे ढेचा कहा जाता है। ये चटनी काफ़ी चटपटी और मज़ेदार होती है। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का ऑयल गरम किया हुआ है। ऑयल के अच्छे से गरम होते ही मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच भरकर मूंगफलियाँ ली हैं। मूंगफलियों को मैं ऑयल में धीमी गैस पर अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो इन मूंगफलियों को ड्राई रोस्ट कर सकती हैं और फिर उसका छिलका निकाल कर भी इस चटनी में इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने 5 से 7 मिनट तक इन मूंगफलियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। अब इस बचे हुए तेल में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे और इसके बाद मैंने ये 10 से 15 हरी मिर्च ली हुई हैं। इसमें मैंने 2 लाल मिर्च भी ली हुई हैं, जिससे बड़ा प्यारा सा इनका कलर आए। और मिर्च में मैंने हल्का सा चीरा लगा लिया। यदि आप चीरा नहीं लगाती हैं तो आप इस तरह से फ्राई करते समय हल्का हल्का कट लगा लें, वरना मिर्च फ्राई होते समय फूटती हैं, जिससे कि आप जल सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें, या तो मिर्च को आप 2 टुकड़ों में कट कर लें या फिर कट लगा लें उसमें। अब मैंने ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ छील के ली हुई हैं, इसे भी हम डाल देंगे। लहसुन में भी मैंने हल्का हल्का कट लगा लिया था। आप चाहें तो इसको भी 2 हिस्से में कट करके डालें, क्योंकि लहसुन भी जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो फटने लगता है, इससे जलने का डर रहता है। मैंने इस चटनी में हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। ट्रेडिशनली जब ये चटनी बनती है तो इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहती है और उससे आधी क्वांटिटी में मूंगफली और लहसुन डाला जाता है। लहसुन और मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैंने ये धुलकर सुखाया हुआ धनिया डाल रही हूँ। धनिया में बहुत ज़्यादा पानी ना हो, ध्यान रखें तब डालें। और धनिया को भी हमें धीमी गैस पर, या आप चाहें तो मीडियम करके, इसको अच्छे से फ्राई कर लें, जब तक कि इसका मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा ना निकल जाए, क्योंकि धनिया में पानी होगा तो ये चटनी हमारी जल्दी ख़राब हो सकती है। इसलिए ध्यान से आप इसके पानी को सुखा दें। टिप ऑफ द डे, जब भी हम दही बड़े बनाएं तो दाल को पीसने के बाद उसे हमें कुछ समय के लिए रेस्ट पर रख देना चाहिए, और उसके बाद जब हम दही बड़े बनाएंगे तो दही बड़े ज़्यादा नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनते हैं। फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली, लहसुन, हरी मिर्च सारी चीज़ों को एक जार में डाल दिया है और थोड़ा इसमें नमक ऐड कर दिया है, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, जिससे कि हमारी चटनी में थोड़ा खट्टापन भी आए। इसकी जगह आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन नींबू का रस डालने से हमारी चटनी के जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी चटनी बनकर तैयार है और इसे मैंने दरदरा पीसा है। बहुत ज़्यादा आप इसे महीन ना करें। चटपटी मज़ेदार ये चटनी की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ये बिल्कुल फ्री होता है। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।